हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। क्या मैडी बॉन्डो को ढूंढने बॉगिंस हाइट तक जाएगी? क्या पेगी उसके साथ जाएगी? और क्या उन्हें वोंडा मिलेगी? तो ये जानने के लिए चलिए हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 6 के पार्ट 2 का वीडियो करते हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So, जब school dismiss हो गई, so dismiss का मतलब जब उनको order दे दिया गया leave करने के लिए, so order to leave मतलब school खत्म हो गई simply. तो Peggy ने क्या कहा Maddie से? And Peggy ने किस तरह से कहा? Pretended casualness के साथ. So pretended यानी not genuine, जो real ना हो, बना के जो बोल रही हूँ, नॉट जेन्युइन या ट्रू। और कैजुअलनेस का मतलब क्या हुआ? कैजुअली वो बोलने की कोशिश कर रही है ना, दिखाने के लिए कि शी इज नॉट वेरी सीरियस या बहुत ज्यादा उसके लिए चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। सो शोइंग लेस सीरियसनेस, सो ये जताने के लिए प्रिटेंड कर रही थी कि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से उसने पूछा कि चलो चल के देखते हैं कि वो बच्ची, मतलब वोंडा के बारे में बात कर रहे हैं, उसने टाउन छोड़ा है कि नहीं। सो पेगी हैड हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। तो ये सुनते ही मैडी जो है चमक उठी। तो क्यों चमक उठी वो? बिकॉज पेगी को भी वही सेम आइडिया आया है जैसे मैडी को आया था। बिकॉज मैडी का भी मन कर रहा था कि वो जाके चेक करे कि वोंडा ने टाउन छोड़ा है कि नहीं। सो ये सोचते हुए जब उसने सुना कि हाँ पेगी का भी यही मन कर रहा है, तो उसने सोचा पेगी वॉज रियली ऑल राइट। सो यहाँ पे ऑल राइट का मतलब है कि शी इज़ अ गुड पर्सन। तो उसको बीच बीच में डाउट होने लग गया था कि पेगी एक अच्छी पर्सन है कि नहीं, तो अब उसको क्लियर हो गया कि हाँ कि शी इज़ ऑल्सो अ गुड पर्सन, शी इज़ ऑल राइट। एंड यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये जो डबल हेड्स आते हैं ये क्यों और कैसे यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारी आदत क्या होती है, जब भी हम हैव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हैव वर्ब का हम इस्तेमाल हमेशा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। सो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? जब भी हम किसी का पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, तो उसमें हैव या हैड लगाते हैं, तो उस तरह से वो जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब रहता है। ऑक्सिलरी का मतलब हो गया यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक टेंस फॉर्म करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं हैव ईटन या हैड ईटन, सो जिसमें बेसिकली प्राइमरी वर्ब ईट होता है एंड हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जस्ट टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फर्स्ट केस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन द सेकेंड केस। बट जब हैव का इस्तेमाल आप प्राइमरी वर्ब की तरह करते हैं जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तब आप यहाँ पे डबल हैड का इस्तेमाल देख सकते हैं। कैसे? सो हैव द आइडिया, सो हैव एन आइडिया में मतलब आइडिया होना, यहाँ पे हैव प्राइमरी है। सो अगर आप इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? हैड एन आइडिया, राइट? एंड अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे कि कोई चीज़ यू नो बहुत ज़्यादा पहले हुई है, हो के ख़त्म हो चुकी है, सो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक और हैड लगाएंगे जिस तरह से यहाँ पे होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइमरी वर्ब हैव ही है, सो हैव का हैड ही रहेगा एंड आइडिया, सो इसलिए यहाँ पे डबल हैड आया है। एंड यहाँ पे ये आपका प्राइमरी वर्ब हो गया एंड ये जैसे कि हम नॉर्मली ऑक्सिलरी हैड का यूज करते हैं, ये ऑक्सिलरी हो गया एंड इसलिए यहाँ पे हैड हैड दो बार कॉन्सिक्यूटिवली आता है। सुनने में अजीब लगता है बट ये करेक्ट यूसेज है। सो इसका मतलब क्या है? मैडी को समझ में आ गया कि मैगी को भी ये सेम आइडिया आ चुका है। सो अभी नहीं आया, पहले पास्ट में आ चुका है तभी उसने ऐसा कुछ कहा। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिंस हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल। सो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकली, हरीड आउट यानी जल्दी जल्दी बाहर निकली और स्ट्रीट की तरफ गई जो कि बॉगिंस हाइट की तरफ जाती है। सो स्ट्रीट पर आ गई, रास्ते पर आ गई जो बॉगिंस हाइट्स तक लेके जाएगी उनको। एंड वो ऐसा पार्ट है टाउन का, उस शहर का ऐसा पार्ट है विच हैज़ अ फॉरबिडिंग एयर। सो वोर का यहाँ पे मतलब हो जाएगा सिंपली कि वहाँ पर ऐसा एयर है या हैड। फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली।
अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल थोड़ा खतरनाक सा लगे. सो अनफ्रेंडली एयर का मतलब अनफ्रेंडली सा, फॉरबिडिंग एयर का मतलब अनफ्रेंडली सा एनवायरमेंट है वहाँ पे ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून. इस तरह के नवंबर आफ्टरनून में ड्रिजली है. ड्रिजली मतलब हैविंग लाइट शावर, तो हल्की हल्की रेन हो रही है, हैविंग लाइट रेन. डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, यू नो नमी है एयर में. एंड डिसमल, एंड डिसमल का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो सैडनेस का मूड लेके आए उसको आप डिसमल कहते हैं. सो कॉजिंग अ मूड ऑफ सैडनेस जो आपको उदास कर दे, या इन सिंपल टर्म्स निराशाजनक. तो ऐसी चीज़ जो आपको निराश कर दे उसको आप डिसमल बोलेंगे. सो उनको वो पार्ट ऑफ द टाउन कैसा लग रहा है, अनफ्रेंडली सा लग रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट. एंड उनको वहाँ का जो एयर है वो कैसा लग रहा है, स्लाइटली ड्रिजली लग रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही वेट सा डैम्प सा लग रहा है और बहुत ही निराशाजनक लग रहा है. वेल एटलीस्ट सेट पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. आई थॉट शी वॉज टू डम्ब एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. सो ग्रफली का क्या मतलब होता है, रफ वॉइस में कोई चीज़ बोलना, यू नो रूखी आवाज में बोलना. आप कह सकते हैं इन अ होर्स वॉइस, रूखी आवाज में बोलना. तो रूखी आवाज में उसने क्या बोला कि एटलीस्ट मैंने कभी भी उसको फॉरेनर नहीं बुलाया कि तुम कहीं बाहर से आई हो, या उसके नाम का मैंने मजाक नहीं उड़ाया, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके पास इतना सेंस है कि उसको पता चले कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे जस्टिफाई कर रही है अपने एक्शंस को, कि उसे ऐसा लगता था कि उसमें इतनी समझ नहीं है, इतना सेंस नहीं है. तो यहाँ पे सेंस का मतलब है समझ, कि वो समझ पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत डम्ब है. डम्ब का मतलब होता है स्ट्यूपिड, बेवकूफ. एंड जी, जी एक बेसिकली टर्म है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, इट्स एन एक्सप्रेशन. And it is an expression of surprise या enthusiasm या sympathy. उस समय आप ये use करते हैं. So expression of surprise, enthusiasm या sympathy, या किसी को आप sympathize कर रहे हो. And वो क्या बोल रही है, and जी look how she can draw, देखो कितना अच्छा draw कर पाती है. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. And how wonderful the whole school thought she was. And please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. Maddie kuch bhi nahi bol pai. Wo sirf yahi aasha kar rahi thi ki jab wo jaye wahan pe to unko Wanda mil jaye. And wo usko kya bolna chahti thi ki wo sorry hai ki unhone pick kiya us pe. To pick on karna matlab bully karna. So picked on ek phrasal verb hai pick ka, jiska matlab hai bullied. तो उन्होंने बुली किया उसको. एंड कितना वंडरफुल पूरा स्कूल अब सोचता है कि वो है उसकी ड्राइंग्स को देख के, फॉर एग्जांपल. एंड उसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ मूव मत करो, इस शहर छोड़ के मत जाओ. एंड सब लोग जो है अब अच्छे से बर्ताव करेंगे, एवरीबडी वुड बी नाइस, मतलब तुमसे अच्छे तरीके से सलूक करेंगे, व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ. एंड वो और पेगी किसी से भी लड़ पड़ेंगे जो भी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आएगा, हु वॉज नॉट नाइस. तो किसी से भी लड़ लेंगे जो तुमसे ढंग से बात नहीं करेगा, तुमसे तमीज से नहीं रहेगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. सो दोनों लड़कियों ने जल्दबाजी की, जल्दी जल्दी चलते गए. सो वो क्या आशा कर रहे थे कि वो जो हिल है जहाँ पे बॉगिंस हाइट है उसके ऊपर तक पहुंच जाए अंधेरा होने से पहले, बिफोर डार्क. आई थिंक दैट्स वेयर पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास stuck up here and there along the pathway like thin kittens. मुझे लगता है कि वहाँ पे पेट्रॉन्स्कीज रहते हैं, मैडी ने कहा एक छोटे से वाइट कलर के घर को पॉइंट करते हुए. Wisps of old grass. Wisps का मतलब क्या है, small thin piece. तो छोटे छोटे thin pieces of जो पुरानी घास है वो इधर उधर लगी हुई थी पाथवे में, रास्ते में इधर उधर ओल्ड ग्रासेस थी. एंड ऐसा लग रहा था कि वो छोटी छोटी thin kittens है, kittens है ना बिल्ली के बच्चे. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. So, जो घर था and उसका जो sparse little yard था. So, yard का मतलब होता है ground. जो छोटी सी घर में अपना एक private ground होता है उसको आप yard बोलते हैं. And sparse का मतलब होता है कि ज़्यादा घना नहीं, कम घना. मतलब वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगे हुए थे,
कम घना था वो, तो वो कैसे लग रहे थे, वो घर और वो यार्ड शाबी लग रहे थे बट साफ थे। शाबी का मतलब क्या होता है? शाबी का मतलब होता है इन पुअर कंडीशन, जर्जर हालत में, इसे मेंटेन ना किया गया हो। सो इस तरह से कुछ, फॉर एग्जांपल ये घर एकदम जर्जर हालत में है, इसका गेट टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई लग रही है, तो इसको आप जर्जर हालत में बोलते हैं, इन पुअर कंडीशन इसको आप शाबी बोलते हैं। पर ये साफ है, घर साफ है लेकिन बहुत पुअर कंडीशन में है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडर्स वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शाबी बट क्लीन। एंड ये घर मैडी को किसकी याद दिला रहा था? वांडा के एक ड्रेस की याद दिला रहा था, उसकी जो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस होती थी, जो कि इस घर की तरह शाबी होती थी, पुअर कंडीशन में होती थी बट साफ होती थी। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देर वॉज नो आंसर। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, स्टिल देर वॉज नो आंसर। सो जब वो उस घर के पास पहुंचे तो वहां पे कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं थे, ऐसा नहीं लग रहा था वहां पे कोई रहता है। सो पेगी ने नॉक किया फर्मली, फर्मली यानी मजबूती से, तो दरवाजे पे पेगी ने नॉक किया बट कोई आंसर नहीं मिला उन्हें। तो वो और मैडी पीछे गए, अराउंड द बैकयार्ड, पीछे बैकयार्ड में गए एंड वहाँ पे नॉक किया, बैक डोर पे नॉक किया, स्टिल वहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। सो अब कोई भी डाउट नहीं था उनको, जो पेट्रॉन्स्कीज थे वो चले गए थे, दे वर गॉन। अब वो सोच रहे हैं कि अब वो कैसे अमेंड्स करेंगे। सो अमेंड्स का मतलब सुधार, तो जो भी गलतियां उन्होंने की है उसको कैसे सुधारेंगे, अमेंड्स यानी सुधार। दे टर्न स्लोली एंड मेड द वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे से मुड़े, काफी निराश होंगे वो डेफिनेटली, एंड वो वापस हिल के नीचे जाने लग गए, मेड देयर वे यानी उस रास्ते पे चलने लग गए डाउन द हिल। वेल एनी वे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो वॉट कैन वी डू बिसाइड्स, वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, She probably was getting good ideas of for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Well, anyway, so Peggy ने क्या बोला? But ठीक है, अब वो चली गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जब मैं उसको उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो हो सकता है, मे बी प्रोबेबली यानी मे बी, हो सकता है उसको अच्छे आइडियाज आ रहे होंगे अपने ड्रॉइंग के लिए मेरी वजह से। सो वो अब ये बताना चाह रही है कि क्योंकि मैं उसको इतना पूछती थी ड्रेसेस के बारे में, तो मेरी वजह से उसको ड्रेसेस के आइडिया आते थे एंड उसको अपने ड्राइंग्स के आइडिया आ रहे थे, अगर मैं ये नहीं करती तो वो शायद ड्राइंग कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वाज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। सो मैडी ने इस आइडिया को बहुत केयरफुली सोचा, टर्न दिस आइडिया मतलब बहुत केयरफुली परखा, जो भी पेगी ने कहा भी कहा अपने दिमाग में, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता, अगर इसमें कुछ सच बात होती तो उसको इतना बुरा नहीं लगता। तो वो सोच रही थी इसके बारे में कि हाँ अगर ये सच है तो अब मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, आई वुड नॉट हैव टू फील, मुझे इतना बुरा लगना नहीं चाहिए अगर ये सच है। बट वो पूरी रात सोच नहीं पाती क्योंकि उसको भी पता था कि ये बात सही नहीं है। शी थॉट अबाउट वांडा एंड अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। वो क्या सोच रही थी? वांडा के बारे में सोच रही थी, उसके फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी एंड उस छोटे घर के बारे में सोच रही थी जिसमें वो रहती थी, जहाँ से वो होके आई थी, एंड उन ग्लोइंग पिक्चर के बारे में सोच रही थी, चमकते हुए एकदम भड़कीले पिक्चर्स जो उसने बनाए थे 100 ड्रेसेस के, जो कि पूरे क्लासरूम में लाइंड अप थे। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम She had reached an important conclusion. So, अंत में वो जब सो नहीं पाई तो मैडी बैठ गई अपने बेड पे, उठ के बैठ गई और अपना फोरहेड जो है पकड़ के, बहुत टाइटली उसने पकड़ लिया अपने हाथों में और सोचने लगी। And this was the hardest thinking. ये सबसे hard thinking जो है उसने, सबसे मुश्किल thinking उसने अपनी लाइफ में की थी, she had ever done. And बहुत समय बाद, after a long, long time, वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच गई, एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष पे पहुंच गई। क्या था वो निष्कर्ष? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो आज के बाद कभी भी साइड में नहीं खड़ी रहेगी, स्टैंड बाय नहीं करेगी और चुप नहीं रहेगी, एंड से नथिंग अगेन। इसका मतलब जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो अपनी आवाज़ उठाएगी एंड इंटरवीन करेगी, बीच में आएगी और उन लोगों को रोकेगी जो बुली कर रहे हैं।
She was never going to stand by and say nothing again. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. So, ab wo kisi ko bhi sunegi ki koi kisi ko bully kar raha hai, picking on and bullying. किसी को बुली कर रहा है क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते, बहुत ही अलग तरीके के दिखते हैं, फनी लुकिंग यानी थोड़े अजीब दिखते हैं या उनके अजीब से नाम है, तो वो क्या करेगी, अपनी आवाज़ उठाएगी। अगर इसका मतलब ये भी है कि उसे पेगी की फ्रेंडशिप खोनी पड़ेगी तो भी वो करेगी। अब उसको पता है कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, शी हैड नो वे, कोई भी रास्ता नहीं था उसके पास कि वांडा के साथ चीज़ें सही कर सके क्योंकि वांडा अब चली गई है। बट आज के बाद वो कभी भी किसी को भी इतना नाखुश नहीं करेगी, इतना अनहैप्पी नाखुश किसी को भी नहीं करेगी। सो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से ये पार्ट एंड हुआ है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको मैडी के कैरेक्टर में। डेफिनेटली गलती हुई उससे, क्योंकि वो चुप रहना भी एक गलती थी, उसको साथ देना चाहिए था क्योंकि वो पेगी से ज़्यादा अच्छा समझती थी वांडा को, एंड उसको साथ देना चाहिए था, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। पेगी क्योंकि उसकी दोस्त थी तो उसको मना करना चाहिए था, बट ठीक है, उसने अपनी गलती से अब सीख लिया, उसको पश्चाताप हुआ। एंड इसी तरह से यू नो हम ग्रो करते हैं, दिस इज़ हाउ वी मैच्योर, इसी तरह से हम मैच्योर बनते हैं, हम सीखते हैं अपनी गलतियों से, एंड इस तरह से जो है हमारा जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो चेंज होता है। तो अगर आप अब इस मैडी से कोई वापस मिलेगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा मैडी के अंदर, एंड वो आप देखेंगे कि कैसे वो दूसरों की मदद कर रही है इस चीज़ से उभरने में। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस लेसन हम सब के लिए कि गलतियां हम सब करते हैं, बट हमारे पास उन गलतियों से सीखने का हमेशा चांस होता है एंड अपने आप को बदलने का हमेशा चांस होता है। तो चलिए इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। वॉट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, वाई? सो पेगी ने क्या एक्सक्यूज सोचा, थिंक अप यानी सोचा अपने बिहेवियर के लिए, एंड क्यों? So Peggy made an excuse that she thought Wanda was too dumb to understand that they made fun of her. She also said that she never made fun of her because she was a foreigner or had a funny name. So Peggy ने excuse क्या बनाया कि उसने सोचा कि Wanda बहुत ही dumb है, ये समझने के लिए कि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, एंड उसने क्या बोला कि वो उसका कभी भी फॉरनर होने की वजह से या उसके फनी नेम उसकी वजह से वो मजाक नहीं उड़ाती थी। एंड वाई पार्ट का रीजन ये हो सकता है कि शी वॉज फीलिंग गिल्टी। सो एक्सक्यूजेज आप तब बनाते हो जब आपको पता होता है कि आपने कुछ गलती की है। सो इट इज़ बिकॉज शी रियलाइज दैट इट वॉज हर मिस्टेक। सो वाई पार्ट का आंसर हो जाएगा बिकॉज शी रियलाइज हर मिस्टेक। सो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ये ऐड करना पड़ेगा, शी थॉट अप दिस एक्सक्यूज बिकॉज शी रियलाइज हर मिस्टेक। वॉट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिंस हाइट्स? मैडी के क्या थॉट्स थे, क्या विचार आ रहे थे उसको जैसे वो Boggins Heights जा रहे थे? So while on the way to Boggins Heights, Maddie wished that they would find Wanda in her home. She thought about telling her that they were sorry for bullying her and how the whole school admired her drawings and then ask her not to move away because everyone will be nice to her. So जब वो Boggins Heights की तरफ जा रही थी तो मैडी ने क्या विश किया कि वो वांडा को ढूंढ पाएगी उसके घर पे, कि वांडा अपने घर पे होगी, एंड वो क्या सोची थी कि ये सोची थी कि उसको बताएगी कि वो सॉरी है उसको बुली करने के लिए, एंड कैसे पूरी स्कूल उसका एडमायर कर रही है, उसके ड्राइंग्स का एडमायर कर रही है, एंड उसे पोले की रिक्वेस्ट करेगी कि वो ना जाए छोड़ के ये टाउन क्योंकि सब लोग जो है अब उससे अच्छा बर्ताव करेंगे। एंड आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि शी एंड पेगी वुड ऑल्सो बी नाइस टू हर। व्हाई डज वांडर्स हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडर्स ब्लू ड्रेस? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन कि वांडा का हाउस मैडी को वांडा के ब्लू ड्रेस को क्यों रिमाइंड करवा रहा था? बिकॉज बोथ वर शैबी एंड क्लीन, दोनों ही शैबी और क्लीन थे, सो पुअर कंडीशन में थे बट साफ थे। व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? सो मैडी किस चीज़ के बारे में बहुत हार्ड सोच रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी, जोर लगा के सोच रही थी, एंड क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने लिया? सो मैडी थॉट अबाउट वांडाज डिसीजन ऑफ लीविंग स्कूल because of the bullying she had to suffer. She thought about how she never stopped Peggy from bullying her. After thinking hard, she came to an important decision that she would never stand by and let anybody get bullied.
she would defend everyone from the bullies, even if it meant she would never be friends with Peggy. So Maggie ने क्या सोचा वांडा के डिसीजन के बारे में स्कूल छोड़ने के, बिकॉज ऑफ जो भी बुलिंग उसको सहना पड़ा. She thought about how she never stopped Peggy. और उसने ये भी सोचा कि उसने कैसे पेगी को कभी भी नहीं रोका उसको बुली करने से. And बहुत जोर लगा के सोचने के बाद एक important decision लिया उसने कि वो कभी भी stand by नहीं करेगी एंड किसी को भी बुली होने नहीं देगी. वो कि सबको डिफेंड करेगी बुलीज से, अगर इसका मतलब ये भी हो कि उसे फ्रेंडशिप तोड़नी पड़े पेगी से. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने फीडबैक्स एंड कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.